नमस्कार किसान दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। कैसे किसान अपनी फसल का बीमा करवाकर अनिश्चित नुकसान की भरपाई कर सकता है और कौन कौन सी वो फसल है और कितना प्रीमियम या किस्त किसान को भरनी होगी और कितना बेनिफिट नुकसान होने पर किसान को मिलेगा, इस योजना की लास्ट डेट और अप्लाई कैसे करते हैं, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो जुड़े रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू एग्रीकल्चरल अपडेट मिल सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। यह क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम किसान को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर सुरक्षा देती है। यह स्कीम फसल खराब होने पर, जिसका कारण स्थानीय जोखिम, प्राकृतिक आपदा, बिन सीजन बरसात, फसल कीटों बीमारियों को कवर करती है। इस स्कीम के अंडर 4 स्टेजेस हैं जिसके अंतर्गत लॉस को कवर किया जाता है। पहली जो स्टेज है वो सोइंग स्टेज है। अगर किसान का खेत 75% एरिया बिना उगाव या बिना बोए रह जाए, जिसका कारण बिन सीजन बरसात या खराब तापमान हो, तो इसको सोइंग फेलियर रिस्क में गिना जाएगा और किसान को कवर की कुल राशि का 25% दिया जाएगा और फसल बीमा को उस फसल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। जैसे अगर उस फसल का कवर राशि 30,000 है तो 25% यानी 7,500 रुपये किसान को भुगतान किया जाएगा। दूसरी स्टेज, अगर खड़ी फसल पर सूखा, बाढ़, सैलाब, पेस्ट बीमारी, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, साइक्लोन, टाइफून, ताओ जैसी आपदा आ जाए तो कवर राशि किसान को मिलेगी। इसके बाद तीसरी स्टेज, जो कि फसल के काटने के बाद अगर 14 दिन तक फसल खेत में सूखने के लिए छोटी गांठों के रूप में पड़ी है और उसके ऊपर ओलावृष्टि, भारी बरसात हो जाए तो खेत को नुकसान के आधारित पर बीमा राशि दी जाएगी। चौथी स्टेज, अगर किसी पर्टिकुलर गांव या जगह पर ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने जैसी आपदा आती है तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। दोस्तों, 2021 की खरीफ व रबी सीज़न के लिए फार्म ओपन हो चुके हैं और इसको फिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2021 है। इसमें मेन 9 क्रॉप शामिल की गई हैं जो इस प्रकार हैं। पहली फसल है धान, जिसकी बीमा प्रीमियम राशि 713 रुपये है और अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी बीमित राशि 35,699 रुपये है। दूसरी फसल कपास, जिसकी प्रीमियम राशि 1732 रुपये है और बीमित राशि 34,650 रुपये। तीसरी फसल है मक्का, जिसकी बीमा प्रीमियम राशि 356 रुपये है और बीमित राशि 17,849 रुपये। फिर आती है बाजरा, जिसकी बीमा प्रीमियम राशि 335 रुपये और बीमित राशि 16,799। गेहूँ की बीमा प्रीमियम राशि 409 और बीमित राशि 27,300 रुपये। जौ की बीमा प्रीमियम 267 और बीमित राशि 17,849 रुपये है। चने की बीमा प्रीमियम राशि 204 रुपये और बीमित राशि 13,650 रुपये। सरसों की बीमा प्रीमियम राशि 275 रुपये और बीमित राशि 18,375 रुपये। सूरजमुखी की बीमा प्रीमियम राशि 267 रुपये और बीमित राशि 17,849 रुपये। दोस्तों, यह योजना इस बार स्वैच्छिक की गई है। यदि KCC वाला किसान इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो 24 जुलाई तक अपने बैंक में एप्लीकेशन देकर इस स्कीम से बाहर हो सकता है। लेकिन अगर ऋणी किसान एप्लीकेशन देकर स्कीम रद्द नहीं करवाता तो बैंक के द्वारा स्वयं ही उसका बीमा कर दिया जाएगा। दोस्तों, गैर ऋणी किसान अपना बीमा बैंक के एग्री ऑफिसर या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से करवा सकते हैं। आप CSC कस्टम सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ज़मीन के डॉक्यूमेंट व पहचान ID अनिवार्य है। आप कोविड के चलते घर पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन फिल करके भर सकते हैं। इसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपका आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट नंबर
और आपको किस फसल के लिए बीमा करवाना है, उस फसल की जानकारी, अपनी फसल का रिकॉर्ड जिसको जमाबंदी भी कहते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ अपलोड करके आप अपनी यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करवा कर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को दूसरे किसान साथियों से भी शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें, और साथ ही फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा एग्रीकल्चरल अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।